video, let me give you an update. This is one of the news of four students which were coming from Gujarat to Singapore, and as usual at the immigration checkpoint they got deported back to India. So before starting the video, let me remind you everyone, if you are new on this channel and you have not subscribed yet, please subscribe the channel, like the video, and you can comment what you want to know more about Singapore. I can try to help you out with that. So without wasting much time, let's get started with the video. Let me give you an update. This is one of the news of four students which were coming from Gujarat to Singapore, and as usual at the immigration checkpoint they got deported back to India. मैं आपको बता दूं, चार स्टूडेंट्स जो इंडिया से आ रहे थे, जो कि गुजरात से थे, और वो आए थे कल, और कल उन्हें इमिग्रेशन चेक पॉइंट से वापस लौटाया गया है, क्योंकि इमिग्रेशन वालों ने उनसे कुछ क्वेश्चंस किए थे और वो शायद उनका आंसर ठीक ठाक नहीं दे पाए, इस वजह से उन्होंने इमिग्रेशन वालों ने उन्हें वापस रिपोर्ट किया है. सो ये अक्सर होता है इमिग्रेशन पे, क्योंकि मैं आपको बता दूं, जो स्टूडेंट्स किसी भी एजेंट्स के थ्रू या एजेंसी के थ्रू वीज़ास लगवाते हैं, प्रोसेसिंग करवाते हैं, तो एजेंट्स का सीन क्या है, एजेंट्स जस्ट आपका काम करके उनका वीज़ा, उन्होंने आपको वीज़ा दे दिया, उनका काम खत्म हो गया, उन्हें उनका कमीशन मिल गया, अब उन्हें कोई मतलब नहीं है स्टूडेंट से आगे इमिग्रेशन पे उनके साथ क्या होगा, उनका रूम का क्या होगा, उनकी जॉब का क्या होगा, सारी चीज़ों के बारे में एजेंट्स पे ध्यान नहीं देते, क्योंकि उन्हें उनका कमीशन मिल चुका है. अब स्टूडेंट खुद से ही जो करेगा वो करेगा, उन्हें कोई परवाह नहीं है, और ना ही एजेंट्स उन्हें फीस रिफंड करते हैं, क्योंकि वो तो सिंगापुर पहुँच ही नहीं पाए थे. तो इसलिए मैं बार बार ये चीज़ आपको याद दिलाता रहता हूँ कि सिर्फ वीज़ा जाना आपकी प्रोसेस ख़त्म नहीं हुई है, अभी आपको इमिग्रेशन भी क्लियर करना है, और आगे सिंगापुर में आके भी बहुत सारी प्रोसेस बचती हैं. सो मेक श्योर कि आप ये सारी चीज़ें पहले ही प्लान कर लें सिंगापुर आने से पहले. सो इमिग्रेशन के बारे में मैं आपको बता दूँ कि जो भी स्टूडेंट्स अभी रिसेंटली सिंगापुर आने वाले हैं, मेक श्योर दैट यू आर रेडी विद द इमिग्रेशन क्वेश्चंस, और इमिग्रेशन पर क्या कुछ पूछते हैं इसके बारे में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है इमिग्रेशन क्वेश्चंस में. लास्ट अगर आप जाएंगे तो आपको नीचे दो तीन वीडियो मिल जाएंगी जो सिर्फ इमिग्रेशन के क्वेश्चन के बारे में है. आई कैन अश्योर यू उन इमिग्रेशन क्वेश्चन से बाहर कोई भी आपसे ये क्वेश्चन भी नहीं पूछता, अगर आपने वो कंप्लीट वीडियो देखी है, आपका इमिग्रेशन 110% आपका क्लियर होगा, उसमें से बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाले हैं. और एक और चीज़, इमिग्रेशन पे कई बार ऐसा होता है कि वो आपसे आपका एड्रेस पूछते हैं कि आप सिंगापुर में कहाँ रहने वाले हैं, ऐसे में आपके पास सिंगापुर का एक वैलिड एड्रेस बताने के लिए होना चाहिए. सो मेक श्योर कि आप आने से पहले ही अपनी रूम की अरेंजमेंट कर लें. अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या समझ नहीं आ रहा है और आपको रूम चाहिए आपके कॉलेज के आसपास, सो यू कैन कॉन्टैक्ट मी, यू कैन टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ आपका रूम फाइंड करने में आपके कॉलेज के नज़दीक. मैं आपको बता दूँ, अभी तक मैंने मोर देन 35+ स्टूडेंट्स को रूम दिलाने में हेल्प करी है उनके कॉलेज के पास में. सो यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम एंड आई कैन हेल्प यू विद दैट. ओके जी, सो हम आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं, और ये वीडियो देखने से पहले मैं आपको बताऊं कि अगर आपने इसकी लास्ट वीडियो नहीं देखी है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप पहले इसके पहले वाली वीडियो देखिए, क्योंकि ये वीडियो उससे कनेक्टेड होने वाली है. ये एक पूरा कॉन्वर्जेशन मैं कर रहा हूँ, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो फिर ये वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी, इसलिए इससे पहले आप उस वीडियो को चेक करें. मैं आपको बता रहा था कि आपका डिसीजन क्या सिंगापुर आना आपके लिए गलत साबित या सही साबित होगा ये कैसे पता चले. सो आप इसके लिए प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, और उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कोई भी स्टूडेंट या कोई भी एम्प्लॉय सिंगापुर आ रहा है, सो उसका सबसे बड़ा जो मोटिव होता है, उसका एक ही मोटिव होता है, या तो उसे मूव ऑन करना है, यहाँ से वो अपना पाथवे लेना चाहता है, गैप फिल करके यहाँ से वीज़ा लगवाना चाहता है, क्योंकि किसी कारणवश उसका रिजेक्शन आ रहा है, सो वो सिंगापुर शो करना चाहता है एक्सपीरियंस में, और फिर वो आगे मूव ऑन करेगा, और साथ ही साथ उसे इनकम भी करनी है. मोस्टली बच्चे इनकम करने भी आते हैं, जो पाथवे भी करेगा उसे भी इनकम तो करना ही है पार्ट टाइम जॉब से, जिससे कि वो आगे मूव हो सके और उसे फाइनेंशियली हेल्प मिल सके. सो इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपको एक ऐसा कॉलेज का सिलेक्शन करना जिसमें कि आप इजीली जॉब भी कर सकें, और जिसमें आपको ज़्यादा पढ़ाई का टेंशन भी ना हो, क्योंकि आपको पता है सिंगापुर मोस्टली स्टूडेंट्स पढ़ाई करने नहीं आ रहे हैं, वो एक बहाना लेके आ रहे हैं जस्ट फॉर वीज़ा, जिससे कि वो सिंगापुर में रह सकें और कुछ इनकम कर सकें और कुछ अच्छी डिग्री हासिल कर सकें और सिंगापुर का एक्सपीरियंस शो कर सकें. सो ऐसे किसी कॉलेज में जिसमें आपको ज़्यादा टाइम मिले पार्ट टाइम जॉब के लिए, आपको गैप ज़्यादा मिले, छुट्टियाँ ज़्यादा मिले, पढ़ाई का ज़्यादा स्ट्रेस ना हो, ठीक है. सो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं. क्यों? क्योंकि मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी ऐसे कॉलेज में चले जाएंगे जहां आपकी क्लासेस रेगुलर लगती हैं, बहुत लंबे टाइम तक लगती हैं, असाइनमेंट प्रोजेक्ट वगैरह बहुत होते हैं, एग्ज़ाम बहुत टफ होते हैं, तो यकीन मानिए आपका जो सारा टाइम है ना वो कॉलेज में ही इन्वॉल्वमेंट में जाएगा, कॉलेज में ही आप बिज़ी रहोगे, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कि आप जॉब्स वगैरह में ज़्यादा इन्वॉल्व हो, कुछ इनकम कर पाओ.
सो इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप सही कॉलेज सिलेक्शन करें और इन्हीं सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैंने काफ़ी रिसर्च करके एक कॉलेज के बारे में पता किया है जिसका नाम है एसेंसस। और ये जो कॉलेज की स्पेशलिटी है, इसकी खासियत है कि इसकी जो क्लासेस हैं वो वीक में सिर्फ 3 डेज़ ही लगती हैं। सो ओनली 3 डेज़ क्लासेस लगती हैं इस कॉलेज में, ओनली 3 घंटे, उसमें भी सिर्फ 3 आवर्स के लिए लगती हैं। एक दिन में 3 घंटे ही क्लास लगती है। इसके बाद इस कॉलेज की जो खासियत है वो ये है कि इसमें हर महीने आपके मॉड्यूल्स चलते हैं। हर मॉड्यूल में आपको लास्ट में मोर देन 10 डेज़ का गैप भी मिलता है, मतलब महीने में आपको कुल मिला के 10 या 15 दिन ही जाना है। और इसकी जो खासियत है वो ये है कि ये पाथवे स्पेशलिस्ट है, ये पाथवे देता है 2 कंट्री के लिए, ऑस्ट्रेलिया एंड UK। सो अगर आपके आइल्स में अच्छे स्कोर नहीं है और अगर आप मूव होने का ख्वाहिश रखते हैं UK, ऑस्ट्रेलिया जैसी कंट्रीज़ में, तो आपके लिए ये कॉलेज बहुत अच्छा होने वाला है। ये डायरेक्ट पाथवे देता है और इसमें आपको आइल्स देने की भी ज़रूरत नहीं है। सो ऐसा कॉलेज अभी तक देखने को नहीं मिला है, बहुत अच्छा कॉलेज है। और इसमें अभी जो कोर्स अवेलेबल है वो बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है, 9 मंथ्स का कोर्स होता है, प्लस OGT का भी कोई लफड़ा नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई OGT सिस्टम नहीं है। अभी तक आपने जो कॉलेज देखे होंगे उसमें 6+6 का सिस्टम होता है, 6 मंथ्स स्टडी होती है और 6 मंथ्स जो है वो आपकी OGT होती है। लेकिन इस कॉलेज में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, प्योर 9 मंथ्स की आपको स्टडी मिलेगी। अब ये अच्छा क्यों है वो मैं आपको बता देता हूँ। OGT के जो है ना वो बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। वो क्या है, देखिए जो OGT होती है, आप जब शुरू में वीज़ा लेके आते हैं किसी भी कॉलेज का तो आपको शुरू में सिर्फ 6 मंथ्स का वीज़ा मिलता है जब आप इंडिया से आते हैं। आगे का जो 6 मंथ्स का वीज़ा है वो आपको तब मिलता है जब आपकी OGT लग जाती है। अब बहुत सारे कॉलेज ऐसे हैं जो OGT अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं और स्टूडेंट्स को 6 मंथ्स कंप्लीट होने के बाद इंडिया वापस जाना पड़ता है। सो ये जो OGT है, मान लीजिए अब जिसको OGT मिल भी गई तो कई बार कंपनीज़ में सैलरी काफ़ी कम होती है। सो स्टूडेंट जो है वो इनकम सिर्फ उनकी जो स्टडी ड्यूरेशन है 6 मंथ्स की उसी टाइम पे कर पाते हैं और OGT में तो सिर्फ उतनी सैलरी मिल पाती है कई बार, कई कॉलेज में, सभी में ऐसा नहीं है, जितना उनका खर्चा है उतनी ही सैलरी मिलती है। सो कुल मिलाकर के वो 6 मंथ्स में ही जो कुछ कर सकते हैं वो कर सकते हैं और उसके बाद उन्हें इंडिया वापस जाना पड़ता है। अब सबसे बड़ी बात है OGT का पहला मिलना, मिल गया तो ICA से फिर कई बार रिजेक्शन आ जाती है, तो फिर ये टेंशन कि अप्रूवल आएगी या नहीं आएगी। चलिए आ भी गई अप्रूवल तो सैलरी सही मिलेगी या नहीं मिलेगी, और काम का स्ट्रेस, क्योंकि OGT स्टूडेंट्स को कम से कम 9 घंटे, 9-9 घंटे, 10-10 घंटे की शिफ्ट लगानी पड़ती है, तो वो झंझट अलग। सो OGT कई बार प्रॉब्लमैटिक भी हो जाती है। अब सभी कॉलेज का ऐसा नहीं है, लेकिन 80% कॉलेज में OGT का इशू है, ठीक है। अब ये जो एसेंसस कॉलेज है इसमें OGT का कोई लफड़ा नहीं है, ये इसकी खासियत है। इसमें 9 मंथ्स ही आपको, जब आप इंडिया से आओगे तभी आपको हाथ में दे दिया जाएगा वीज़ा 9 मंथ्स का। सो आपको आगे की कोई चिंता नहीं है, OGT की कोई टेंशन नहीं है, मस्त आराम से आप 9 मंथ्स स्टडी करिए, कॉलेज भी कम जाना है, आप जॉब पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। और 9 मंथ कंप्लीट होने के बाद आपका जब कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो आप या तो पाथवे ले लीजिए ऑस्ट्रेलिया या UK के लिए, या तो फिर आप वापस से, अगर आपको सिंगापुर में ही रुकना है तो एडवांस कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं, वापस से आपको 9 मंथ मिल जाएंगे। और इसमें आपको जब सेकेंड टाइम आप फीस भरते हैं तो फीस आपको कम मिलती है, क्योंकि आपको इसमें कॉलेज साइड से जो है स्कॉलरशिप मिल जाती है और जो आपकी एडवांस की फ़ीस है वो कम हो जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये खासियत है इस कॉलेज की। और मैं आपको बता दूँ, अभी तक इस कॉलेज में मैं वीडियो इस कॉलेज के बारे में थोड़ी लेट बना पाया हूँ, लेकिन अभी तक मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स जिन्होंने जो कॉन्टैक्ट करते हैं फॉर डायरेक्ट एडमिशंस, जिससे कि वो एजेंट्स की बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा कमीशन वाली फ़ीस से बच सकें, तो ऐसे स्टूडेंट्स को जब मैंने उनसे बात करी और उनका मोटिव जब मैच हुआ, तो अभी तक मैं 4 स्टूडेंट्स का ऑलरेडी इस कॉलेज में एडमिशन करवा चुका हूँ, वीज़ा उनका आ चुका है, बहुत जल्द वो आ जाएंगे सिंगापुर और आपको देखने को मिलेगा। सो ये जो कॉलेज है मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट वीडियो थी, काफ़ी रिसर्च करने के बाद मुझे ये कॉलेज के बारे में पता चला और काफ़ी अच्छा है। सो ये थी आज की वीडियो अपडेट अबाउट वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट कॉलेज। सो आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प करेगी, और अभी तक अगर आपने ये वीडियो देखी है तो मेक श्योर कि आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें आप क्या जानना चाहते हैं। और अगर आपको रूम चाहिए सिंगापुर में, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पर टेक्स्ट कर सकते हैं, मैं अपनी इंस्टाग्राम ID डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं। एंड बने रहिए मेरे साथ और मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।